तो मजबूती के साथ प्रमुख साहब भी लग रहे और मैं भी लग रहा हूं, लेकिन पूंजी बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा, 110-12 गांव आते हैं जिनमें लगभग 70 गांव में मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत ही सोच समझ के वो विकास कराया है। उसमें फिर प्रायोरिटी ये भी देखनी है कि भाई मुस्लिम गांव हमारे 10 वर्षों से वंचित रहे हैं, उनमें कुछ काम अधिक भी करने का प्रयास किया। तो जहां तक विकास कार्यों की बात है, विकास कार्य आपके सामने हैं, और जो ये जो गांव बचे या कुछ और काम बचे वो अब के वर्ष में मैं प्रायोरिटी पे लेकर उन कामों को कराने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को कि पुराना विधानसभा में उन्होंने एक स्टेडियम की स्थापना की और 40 लाख रुपए का हम लोगों को कुछ सहायता की। मैं उसको खोल नहीं सकता, तो कभी मौका आए पे मैं बता दूंगा, लेकिन आज बताऊंगा तो यूं कहेंगे कहने जैन जी कपड़े बागपत वाले फाड़ लगे हैं और वो हवा वाले फाड़ लगे, क्या नाम मेरठ वाले के, क्या मुजफ्फरनगर के एमपी हुआ। तो हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं नाम भी नहीं भूल गया था लेना, मेरे छोटे भाई सुबोध त्यागी जी, जो बड़े संघर्ष के साथ इसी तरीके से हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ाकर उनको कामयाब किया था, जो हाल प्रमुख साहब का किया वही हाल आज विकास कार्यों में उनका कर दिया, मतलब विकास कार्य करने नहीं दे रहे। तो खैर हिम्मत से वो भी लग रहे, झुकने वाले वो भी नहीं कि भाई अपने को सरेंडर करना है भी और ऐसी कोई बात आ जा। तो हमारे पास 3 प्रत्याशी तो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, भाई प्रसन्न जी बैठे हैं, मनीषा अहलावत जी हैं और मंत्री जी अभी गए हैं योगराज जी, चौधरी साहब जिसको भी टिकट दे देंगे हम लोग उसी को मजबूती के साथ, हमें हैंडपंप देखना है, हमें व्यक्ति का नाम नहीं देखना। और अगर गठबंधन नेताओं का अगर ये आदेश होता है, गठबंधन की बात भी कोई आती है तो गठबंधन वाली बात में भी हम लोग गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। जहां तक मुसलमान भाइयों की बात है, उन्होंने बहुत हिम्मत और साहस के साथ इसमें 9 MLA दोनों जनपदों में बनाए और 8 MLA, एक हमारा सादाबाद से है, तो 2 और 4 6 3 और 4 7 7 MLA। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा मुसलमान भाइयों से कि आने वाले चुनाव में वो फिर ऐसा नहीं हुई हुई हिम्मत करेंगे, अब सब लोग हिम्मत करेंगे। चौधरी साहब हारे थे, वो हमारी कमी में हारे थे, आप लोगों ने उसी हिम्मत उत्साह से वोट दिया था जिस हिम्मत उत्साह से वोट हम लोगों को दिया। और मैंने भी केवल एक बात देखकर मुस्लिम गांव में जो विकास करा है, केवल एक बात देखकर, वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट लोकदल का आदमी है, नहीं, वो गठबंधन का आदमी है। जब वो गठबंधन में वोट हम लोगों को दिया तो हमारा फर्ज बनता है विकास कार्यों में उसका भी कार्य कराने का। तो बड़ा गलती हो जाती है, गलती रह जाती है, तो बड़ा सोच समझ के ही काम किया, लेकिन उसमें बहुत भाइयों को ये है कि भाई हमारे यहाँ नहीं हुआ, हो जाएगा बिल्कुल निश्चित, मैं वादा करता हूँ कि अब की बार उन्हीं गांवों को लिया जाएगा जिन गांवों में प्रायोरिटी में पहले, जिन गांवों में काम नहीं हुआ। आप बहुत देर से बैठे हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए मंच पे।